मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो गया। जातिगत समेत सभी समीकरणों को साधते हुए शिवराज सरकार ने 3 नए मंत्रियों की कैबिनेट में एंट्री करवा दी है। आज शनिवार सुबह तीनों विधायकों को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में मंत्री पद की शपथ दिलाई। नए मंत्रियों में सबसे पहला नाम महाकौशल के बालाघाट से विधायक व पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर विसेन, दूसरा विंध से राजेंद्र शुक्ला और तीसरा बुंदेलखंड से राहुल लोधी ने शपथ ली। सबसे पहले गौरी शंकर विसेन ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके बाद राज्यपाल ने विधायक राजेंद्र शुक्ल, राहुल लोधी को शपथ दिलाई। इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मंच पर मौजूद रहे। इनमें लोधी को राज्य मंत्री बनाया जाएगा, बाकी दोनों विधायक कैबिनेट मंत्री होंगे। विंध्य महाकौशल और बुंदेलखंड अंचल से एक एक मंत्री बनाकर भाजपा ने जातिगत और भौगोलिक समीकरण साधने का प्रयास किया है। कृष्णा भैया सर्वहारा वर्ग का आशीर्वाद मुझे मिलता है, मैं सर्वहारा वर्ग की राजनीति करता हूँ। इस बार दिल्ली में और पार्टी मजबूती है, दिल्ली में और पार्टी मजबूती चाहिए। देखिए ये क्या कहना है सच्चाई में सर, मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं? नई पार्टी ने जो भरोसा और विश्वास जताया है मेरे ऊपर, उसको पूरी ताकत और लगन के साथ, मेहनत के साथ। अरे सर, समय बहुत कम है, लगभग 1.5 महीने का समय है, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, कैसे काम कर पाएंगे? पार्टी ने जिस समय और जितना ताकत के साथ लगेंगे सर। क्राइटेरिया कुछ मतलब सारे दरकिनार किए गए हैं, पहली बार के विधायक उसके बाद मंत्री पद की शपथ, ऐसा बीजेपी में बहुत कम होता है, कुछ खास वजह? अरे पहिया पैर पे चढ़ गया, जैसा सोचना है पार्टी ने, जैसा विचार किया और अच्छा है। बहुत ही पूरे बुंदेलखंड में बहुत ही हर्षोल्लास है और सभी कार्यकर्ता। क्या सर प्राथमिकता मंत्री बनने के बाद पहली प्राथमिकता?